मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे फ्राइड क्रंची नूडल। ये चाइनीज की बहुत सारी डिशेस में यूज होता है, तो देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। एक पैकेट वेज हक्का नूडल, ये आपको किसी भी नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। नमक, कॉर्नफ्लावर और तेल। तो अब हम फ्राइड नूडल बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नूडल को बॉईल कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, पतीली लेंगे, पानी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे, पानी को गर्म होने देते हैं। हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें नूडल डालेंगे। नूडल को अच्छे तरीके से डीप कर लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। हमारे नूडल बॉईल हो चुके हैं, अब हम गैस बंद करेंगे और नूडल का पानी निकाल लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, पैन लेंगे, तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देते हैं। हमारे नूडल का सारा पानी निकल चुका है, हमारे नूडल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। नूडल को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे नूडल दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के नूडल भी फ्राई कर लेंगे। हमारे बाकी के नूडल भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम गैस बंद करेंगे और इसे भी किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। हमारे नूडल ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे तोड़ लेंगे। आप चाहे तो किसी भी साइज में इसे तोड़ सकते हैं। तो तैयार है हमारा फ्राइड क्रंची नूडल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।